Good morning everyone. I am Shruti. I am taking the business studies. Now we are going to study the third chapter of business studies, which is known as business involvement. So let us know first what is business. We have to know first, before studying business studies, we must know what is business. So business is buying and selling of goods. किसी भी goods मतलब सामान को खरीदना और बेचना बिजनेस कहलाता है. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज नोन एज बिजनेस. अगर आप एक दिन किसी गुड्स को बेच देते हैं तो वो बिजनेस नहीं रहता था. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन कंटिन्यूस बेसिस, डेली डेली अगर आप किसी गुड्स एंड सर्विसेज को बेच रहे हैं तो वो आपका बिजनेस कहलाएगा. नाउ व्हाट इज बिजनेस इन्वॉल्वमेंट. तो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है कि बिजनेस के आसपास जितनी भी सिचुएशन, जितना भी जो भी एटमॉस्फेयर रहता है, जो भी कंडीशन, जो भी पॉलिसी, जो भी लीगल पॉलिसीज वर्क करते रहती हैं, उन्हें हम बिजनेस इन्वॉल्वमेंट कहते हैं. बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के अंदर ट्रेंड्स भी आ सकते हैं, फैशन भी आ सकता है, फूड प्रिफरेंस भी आ सकता है. सो वी कॉल इट एज अ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट. लेट्स गो टू द डेफिनेशन. द फोर्सेस, फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशन विद विच द बिजनेस हैज टू डील विथ टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. ऐसी फोर्सेस, फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशन. फोर्सेस मतलब क्या होता है, जो प्रेशर होते हैं, जो लीगल पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है कि आपको ऐसा ही प्रोडक्ट बनाना है, ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है. तो वो फोर्सेस, फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं कि हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि आपको इनके अंदर उसको बनाना है. एंड इंस्टीट्यूशन क्या हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव कंपनीज हो सकती हैं जिनसे आपको कॉम्पिटिशन के लिए मार्केट में बने रहना है. विद विच द बिजनेस मैन हैज टू डील विद टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. इन सबसे डील करके, इन सबसे आगे बढ़ के जब हम बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं, बिजनेस को मार्केट में बनाए रखने के लिए कॉम्पिटिशन में आते हैं, उसे हम बिजनेस इन्वॉल्वमेंट कहते हैं. तो यू मस्ट कम दिस डेफिनेशन वेरी क्लियर. द फोर्सेस एंड फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशन विद विच द बिजनेस मैन हैज टू डील विद टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए जिन फोर्सेस, जिन फैक्टर्स एंड जिन इंस्टीट्यूशन से बिजनेस को डील करना पड़ता है, बिजनेस को फेस करना पड़ता है, उसे हम बिजनेस इन्वॉल्वमेंट कहते हैं. नाउ नेक्स्ट अप इज फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, यू मस्ट लर्न दैट. ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब होता है कि जो अलग अलग टाइप की फोर्सेस, जो अलग अलग टाइप के फैक्टर्स, पॉलिसीज, रेगुलेशन, रूल्स, गाइडलाइंस, सभी चीजें बिजनेस को फॉलो करके अपना प्रोडक्ट बेचना है या अपना सर्विस रेंडर करना है, वो सब चीजें ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर आती है. नेक्स्ट इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. अब स्पेसिफिक कुछ रूल्स एकदम स्पेसिफिक हो सकते हैं कि जैसे इसी प्रोडक्ट के ऊपर ये रूल्स लगेगा. जैसे फॉर एग्जांपल हर चीज, हर प्रोडक्ट अपने गाइडलाइन के साथ आता है. जैसे आपका एल्कोहल का ऐसा है कि उसमें डेंजरस दिखाना जरूरी है. जैसे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो किड्स के लिए यूज है तो मेड फॉर किड्स ऐसा लिखा आता है, कुछ कुछ रेगुलेशन के साथ आता है. जैसे हर प्रोडक्ट की एक मिनिमम लेवल ऑफ आप उसमें केमिकल का कंजम्पशन कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं. तो वो सब स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती है जो एंड जनरल फोर्सेस क्या होता है, जो लीगल एंड पॉलिटिकल रूल्स रहते हैं. जैसे लीगल क्या पॉलिसीज रहती हैं कि आप इतना ही प्रोडक्ट बेच सकते हैं, आप इतना ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, आप प्रोडक्ट स्टोर करके नहीं रख सकते. तो वो सब जनरल फोर्सेस होते हैं. स्पेसिफिक फोर्सेस में कस्टमर आते हैं, सप्लायर आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं जिनसे बिजनेस को डील करता है. जैसे कस्टमर्स कितने आएंगे, कस्टमर ज़्यादा हैं कि कम है, कौन से मार्केट में ज़्यादा कस्टमर है, हमारे बिजनेस के लिए हमको इन्वेस्टर्स चाहिए, सप्लायर्स चाहिए. तो हर चीज़ का स्पेसिफिक फोर्स जो बिजनेस डील करता है उसे स्पेसिफिक फोर्सेस कहते हैं. नाउ जनरल फोर्सेस में आपको बता चुकी हूँ कि लीगल और पॉलिटिकल जो चेंजेस आते हैं कंट्री में, उसका बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है. नेक्स्ट अप इज इंटर रिलेशन इंक्लूड्स इंक्लिनेशन टूवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर इज एग्जाम्पल ऑफ इंटर रिलेशन. जैसे बिजनेस में अभी हम कुछ और फैशन का क्लोथ प्रोड्यूस कर चुके हैं, लेकिन लोगों का झुकाव वेस्टर्न कल्चर की ओर कुछ ज़्यादा है, तो आप अपने बिजनेस को इतना केपेबल
बनाना है कि हम उस कॉम्पिटिशन में आगे आ सकें। जैसे अगर हम पुराना क्या बोलते हैं ओल्ड एज मेथड लेके चल रहे हैं कि नहीं हम ये चलेंगे, या ओल्ड ट्रेडिशंस के क्लोथ्स ओल्ड फैशन के क्लोथ्स बना रहे हैं, तो हम बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कॉम्पिटिशन के हिसाब से हमको क्या बोलते हैं न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एडवांसमेंट ऑफ प्रोडक्ट, सब चीज़ को अपने बिजनेस में इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब हम कॉम्पिटिशन में या मार्केट में बने रह सकते हैं। नेक्स्ट अप इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी में क्या आ सकता है? अनसर्टेनिटी का मतलब ही ये होता है कि चेंजेस विच वी कैन नॉट इवन इमेजिन। कुछ भी चेंज आ सकता है कभी भी मार्केट में। जैसे अभी कोविड कंडीशन है, मार्केट में क्या चेंज आ रहा है? सैनिटाइजर सब रखना चाहिए, मेडिकल्स खुलेंगे, ये शॉप खुलेगी, वो शॉप नहीं खुलेगी, और मार्केट के लिए बंद रहेगा, लॉकडाउन रहेगा, बहुत सारे न्यूज एंड रेगुलेशन आए। तो बिजनेस का इन्वायरमेंट एकदम अनसर्टेन है। कब आपकी सेल बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कब आपकी सेल नहीं होगी, कब कस्टमर ज़्यादा आएंगे, कब नहीं आएंगे, कब कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा आप नहीं ले सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप साड़ी का बिजनेस करते हैं और उस जगह पे सब लोग जीन्स पहनते हैं, तो वो जीन्स वाले फैशन को ही फॉलो करेंगे, आपके लिए वो लोग साड़ी नहीं लेने लगेंगे। तो आपको मार्केट के हिसाब से अपने बिजनेस को डेवलप करना पड़ेगा। नेक्स्ट अप इज डायनेमिक। डायनेमिक के अंदर क्या आ सकता है? डायनेमिक का एग्जांपल है फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बिजनेस को कॉम्पिटिशन में रहने के लिए बदलने की ज़रूरत है। आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। आप रिजिड तौर तरीकों से नहीं चल सकते। अगर आप आज के डेट में बोलते हैं कि नहीं मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचूंगा, और अगर वहाँ लोग वो चीज़ नहीं ले रहे, फॉर एग्जांपल अगर आप बोल रहे हैं कि मेरे मोबाइल शॉप पर मैं कीपैड फ़ोन ही बेच रहा हूँ, मेरे पास स्क्रीन टच फोन नहीं है और मैं बेचूंगा भी नहीं, तो क्या लोग आपसे कीपैड फ़ोन लेने आएंगे? तो नहीं आएंगे, क्योंकि एवरीवन नीड्स अ स्क्रीन टच एंड न्यू टेक्नोलॉजी। एवरीवन वांट्स टू लर्न अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड परचेज इट। तो आपको डायनेमिक चेंजेस लाने पड़ेंगे, न्यू इन्वायरमेंट के हिसाब से नया नया बदलना पड़ेगा, ताकि आप मार्केट में बने रह सकें। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है इम्पैक्ट ओवर बिजनेस रिजिड पॉलिसीज, मतलब बिजनेस के ऊपर रिजिड पॉलिसीज एंड बहुत सारे इन्वायरमेंटल चेंजेस का बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कोविड कंडीशन, कितना ज़्यादा चेंज आया है बिजनेस में, पॉलिसीज में, कब कौन खुलेगा, कितने बजे तक खुलेगा, क्या बेच सकते हैं, क्या नहीं बेच सकते। तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है इन लीगल पॉलिसीज और ये सब चेंजेस में। नेक्स्ट इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मीन्स बिजनेस इज डिफरेंट, एवरी बिजनेस इज डिफरेंट, देयर कंप्लीट चेंजेस इन कंपनी टू कंपनी, हर कंपनी से कंपनी अलग अलग अफेक्ट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ कंडीशंस में अभी जैसे मेडिकल स्टोर्स बहुत सारे खुले हुए हैं, मेडिकल स्टोर्स के बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज आया है कोविड कंडीशन के चक्कर में, बहुत ज़्यादा सब लोग दवाई ले रहे हैं, कोई ले रहे हैं, कोई ले रहे हैं, तो मेडिकल स्टोर में इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन वहीं अगर मैं किसी दूसरी शॉप की बात करूँ, जैसे मान लो मैं क्लोथ शॉप की बात करूँ या ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के, तो वो लोग बहुत लॉस में चल रहे हैं, क्योंकि कोई कहीं नहीं जा रहा है कोविड सिचुएशन की वजह से। इसलिए बिजनेस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। जैसे CES की रिपोर्ट आई थी कि देर इज टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स इन कोल्ड ड्रिंक, एक टाइम पे जब आया था एग्जाम्पल के तौर पर ले, तो कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड्स पाए जाते हैं, तो लोग कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दिए थे, कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस एकदम ठप हो गया था। उसके बाद लोग जूस पीना चालू कर दिए, तो जूस का बिजनेस बढ़ गया। तो मतलब बिजनेस आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक बिजनेस अगर कम होगा तो उसका सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट उससे ज़्यादा बिकेगा। सब्सटीट्यूट मतलब जैसे मान लो अगर लोग टी कॉफ़ी पीना छोड़ दिए हैं, तो लोग चाय पीना चालू करेंगे, कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दिए तो जूस पीना, उसका अल्टरनेटिव ले लेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट में क्या क्या आता है? तो इट आइडेंटिफाइड अपॉर्चुनिटी। बिजनेस इन्वॉल्वमेंट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है। फर्स्ट मूव एडवांटेज, मतलब जितना पहले आप अपने बिजनेस में मूव करेंगे, आप उससे उतना ज़्यादा एडवांटेज कमा पाएंगे। अगर आपने मूव करने में लेट कर दिया, हो सकता है आपसे पहले कोई और प्रोडक्ट, आप सोचते ही रह जाए और कोई और उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, तो फिर वो उसको फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए हमको बिजनेस इन्वॉल्वमेंट की स्टडी ये बताती है कि कहाँ पर हमको कैसे मूव करना है। जैसे कोविड सिचुएशन है अभी, तो लोग बहुत सारा सैनिटाइजर लेके आने लगे, हर जगह मास्क बिक रहे, तो आप कॉम्पिटिशन इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी।
या पॉलिसी चेंज हो गया तो आप हमारे बिजनेस को नहीं चल पाएगा या कुछ दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट इज टैपिंग एंड असेंबली रिसोर्सेज। टैपिंग एंड असेंबली रिसोर्सेज मतलब होता है कि आप पहले से रिसोर्सेज को इकट्ठा करके रखें। जैसे अगर आपको नया बिजनेस डालना है तो आप पहले गवर्नमेंट स्टडी कर लें कि यहाँ लेबर का रेट ज़्यादा है कि लेबर का रेट कम है। अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा के हिसाब से कैपिटल लाएँ, अगर कम है तो कम के हिसाब से लाएँ। तो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट हमको हेल्प करता है कि हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से अरेंज करके गैदर कर लें कि हमें यहाँ पर इतना कैपिटल लगेगा, इतना लेबर लगेगा, इतना मशीन लगेगा, इतना रॉ मटेरियल लगेगा। सब को ऑर्गेनाइज करके अच्छे से रखने की स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट अप इज एडजस्ट एंड अडॉप्ट रैपिड चेंजेस। हम बिजनेस इन्वॉल्वमेंट की स्टडी हमको ये हेल्प करती है कि हम जल्दी से जल्दी न्यू इन्वॉल्वमेंट कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट करें। आपको पहले से पता रहेगा कि ये इन्वॉल्वमेंटल कंडीशन चल रही है, आगे चल के ये पॉलिसी, ये रूल्स या ऐसा कुछ कंडीशन आने वाला है, तो हम क्या करेंगे अपने आप को पहले से ही उसके हिसाब से रूटीन कर लेंगे कि ऐसे ऐसे हमको चलना है। तो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट हमको हेल्प करता है कि हम जल्दी से एडजस्ट हो जाए एंड एडॉप्ट रैपिड चेंजेस। नई नई टेक्नोलॉजी को जल्दी से एडॉप्टेशन करें, जल्दी से अपनाएं और अपने बिजनेस में, जैसे आजकल ई बिलिंग चल रहा है, कोई नहीं चाहता कि हमको आप कच्चा बिल दें या बिना बिल के कोई सामान नहीं लेना चाहता, तो सब लोग आजकल ई बिलिंग चालू कर दिए हैं लगभग स्टोर से। तो यही है कि एडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज असिस्ट प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। बिजनेस इन्वॉल्वमेंट हमको हेल्प करता है कि हम अच्छी अच्छी पॉलिसी एंड प्लानिंग करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं होगा कि आगे आपको क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले हम जब बिजनेस डालते हैं, हम खोलते हैं, सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हमको कौन सा बिजनेस डालना है। अगर हमको समझ आ जाता है कि हमको ये बिजनेस डालना है, तो फिर हम सोचते हैं कि कितना पैसा लगेगा, अगर इतना पैसा लगेगा तो कितना लेबर लगेगा, इतना लेबर है तो कहाँ खोलूँगा, कौन से मार्केट में खोलूँगा। तो ये सब चीज़ें इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम पॉलिसी और प्लान बना के चल सकें कि हमको ये बिजनेस सक्सेस डाल रहा है। तो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत है। नेक्स्ट अप इज इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अगर आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपकी मार्केट कंडीशन कैसी है, कैसे लोग चल रहते हैं, क्या फैशन है उन लोगों का, क्या टेस्ट प्रेफरेंस है, क्या खाना पसंद कर सकते हैं, क्या पहनना पसंद करते हैं, क्या वो लेना पसंद करते हैं, ज़्यादा किस चीज़ को ज़्यादा खरीदेंगे, किसको कम खरीदेंगे, तो आप उस हिसाब से सामान अपनी दुकान में डालेंगे। तो ये आपकी परफॉर्मेंस और आपके प्रॉफिट को इंक्रीज